नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र स्थित लोको शेड एरिया में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपनी कार के पास खड़ा था, तभी हमलावर ने उसके सिर में गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मंडे स्पेशल में 8 मंत्रियों के कट सकते हैं टिकट। अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को दिए संकेत, अंतिम फैसला मोदी ही लेंगे। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद रखने वाले नेताओं को उम्मीदवारों की चौथी सूची का इंतजार है। पार्टी हाईकमान ने 55 सीटों पर नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। एमपी में 15 अक्टूबर से पड़ेगी सर्दी, अभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में रात का टेम्परेचर बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत आसपास के इलाकों में भी इसका असर रहेगा। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस अब नागपुर तक जाएगी, 8 घंटे 20 मिनट में पूरा करेगी सफर। इटारसी में भी 5 मिनट का स्टॉपेज। सोमवार को पहले दिन ट्रेन इंदौर से सुबह रवाना हुई, मंगलवार से यह रोज सुबह रवाना होकर दोपहर नागपुर पहुंचेगी। कांग्रेस विधायक ने भाजपा महासचिव के छुए पैर, विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को गले लगाया। साथ बैठकर सुने जैन मुनि के प्रवचन। इंदौर में रविवार को राजनीति की एक अलग ही तस्वीर नजर आई। यहां कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इंदौर में होम ट्यूटर से कई बार रेप, 8 बार अबॉर्शन। पीड़िता बोली, कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर वीडियो बनाए, साजिश में महिला रिश्तेदार भी शामिल। इंदौर में एमजी रोड पुलिस ने 26 साल की होम ट्यूटर की शिकायत पर आरोपी सुनील दीक्षित, उसकी रिश्तेदार रानी और अन्य के खिलाफ रेप करने और धमकाने के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दावा किया है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सागर में जूते चप्पल से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, 10 फीट ऊंची लपटें उठीं। ड्राइवर व कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। सागर के गौरझामर थाना क्षेत्र में नीम घाटी पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान करीब 10 फीट ऊंची लपटें उठीं। इसराइल पर हमास के हमले और फिर इसके बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाई पर पश्चिमी देश एक सुर में बोलते दिख रहे हैं, लेकिन अमूमन फलस्तीन के लिए खुलकर अपना समर्थन जताने वाले मुस्लिम देशों ने सतर्क प्रतिक्रिया जाहिर की है। वनडे का किंग कौन? चेन्नई में कोहली राहुल ने दिया जवाब। मैच में सबसे अधिक केएल राहुल ने नाबाद 97 रन तो विराट कोहली ने भी जोरदार 85 रन बनाए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 218 गेंदों पर 165 रनों की साझेदारी निभाई। अफगानिस्तान भूकंप, हेरात प्रांत में हर तरफ तबाही, मलबे में जिंदा लोगों की तलाश जारी। अफगानिस्तान में इमरजेंसी टीम लोगों को ढह चुके घरों के मलबे में दबे लोगों की जान बचाने के लिए समय के साथ होड़ कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।